उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में आज एक किशोरी हवस का शिकार बन गई। इतना ही नहीं, विरोध करने पर वैशी दरिंदे ने किशोरी की नाक काट। वहीं पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। घटना कोतवाली सदर क्षेत्र के एक गांव की है, जहां पड़ोसी युवक ने किशोरी को उस वक्त हवस का शिकार बना दिया जब वह घर में अकेली थी। किशोरी द्वारा विरोध करने पर दरिंदे ने चाकू से किशोरी की नाक काट दी। वहीं किशोरी के शोर मचाने पर दरिंदा घर से भाग गया और पड़ोसियों ने उसे बचाया। किशोरी ने परिजनों के साथ कोतवाली सदर में तहरीर दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। घर में पानी अकेले से गौतम ने घुसा, बलात्कार किया और नाक काट के छोड़ के चला गया। काहे से नाक काट? हमारे घर में कमरा में कोई नहीं था और ये आया दिन दहाड़े 11 बजे और बलात्कार करके जो जब लड़के शोर मचाया तो ये भाग गया थोड़ी लड़के थोड़ी से नाक काट कर। किसकी लड़की की? हमारी नाबालिग लड़की राजिया की। अभी वो पकड़ा गया है? अभी नहीं पकड़ा गया। बाड़ी द्वारा थाने पर तहरीर दी गई है कि उसकी पुत्री के साथ रेप की घटना हुई है और उसके नाक पर काटा गया है। ये चीज़ असत्य है कि नाक के द्वारा चाकू से काटा गया, क्योंकि मेडिकली हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट की चोट इसमें आई है। अब मौके पर मुकदमा पुलिस के द्वारा दर्ज कर लिया गया है। महिला की 164 के बयान कराए जाएंगे और बाकी सभी लोगों के बयान दर्ज करके आगे कार्रवाई की जाएगी। पुलिस टीमें गठित कर दी गई और शीघ्र अरेस्टिंग की गई साक्ष्यों के आधार पर।